पीजीटी आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के हमारे कलाकार हैं अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 1913 ईस्वी और मृत्यु 1941 ईस्वी को हुई। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन बी मुंबई भारत, ऑप्शन सी शंघाई चीन, ऑप्शन डी टोक्यो जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुडापेस्ट हंगरी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय महिलाएं चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी राम किंकर पेज, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सरदार शाहजहां सिंह शेरगिल, ऑप्शन बी सरदार उमराव सिंह शेरगिल, ऑप्शन सी सरदार पटेल सिंह शेरगिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार उमराव सिंह शेरगिल। बढ़ते हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी कलाकार माना जाता है? ऑप्शन ए राम किंकर बैज, ऑप्शन बी यामिनी रंजन राय, ऑप्शन सी के हब्बर, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी के हब्बर। चलिए बढ़ते हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल की छोटी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए अर्पिता शेरगिल, ऑप्शन बी सुषमा शेरगिल, ऑप्शन सी इंदिरा शेरगिल, ऑप्शन डी सपना शेरगिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा शेरगिल। बढ़ते हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। चित्र बधु का श्रृंगार निम्न में से किस कलाकार का है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इंदिरा शेरगिल, ऑप्शन सी अर्पिता शेरगिल, ऑप्शन डी समरेंद्रनाथ गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। बढ़ते हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों को किस शैली में चित्रित किया? ऑप्शन ए पाश्चात्य शैली में, ऑप्शन बी भारतीय शैली में, ऑप्शन सी चीनी शैली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाश्चात्य शैली में। बढ़ते हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल ने सन 1934 ईस्वी में अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिमला। बढ़ते हम अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ऑप्शन बी
मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, ऑप्शन सी ब्योक्स आर्ट कला विद्यालय पेरिस, ऑप्शन डी शांत निकेतन कला विद्यालय नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्योक्स आर्ट्स कला विद्यालय पेरिस। बढ़ते हैं हम अपने दसवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कलाकार ने कहा है कि मैं रंगों को पूजती हूँ, रंगों का संबंध आत्मा से है। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी ज्योति स्वरूप, ऑप्शन सी अंजुम सिंह, ऑप्शन डी यामिनी रंजन राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। बढ़ते हैं हम अपने ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कलाकार के जवाहरलाल नेहरू बड़े प्रशंसक थे? ऑप्शन ए ज्योति स्वरूप, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी अंजुम सिंह, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। चलिए बढ़ते हैं अपने बारहवें क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी मुकुल चंद्र डे, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी अंजुम सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तेरहवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल का निधन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौदहवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल के चित्र कहाँ संग्रहित हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, ऑप्शन डी शांत निकेतन कला भवन नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पंद्रहवें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल ने अपनी कला वेदिका कहाँ खोली? ऑप्शन ए गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बनारस उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सोलहवें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन आर्ट टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी अर्पिता सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सत्तरवें क्वेश्चन की तरफ। यंग गर्ल चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी अर्पिता सिंह, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अठारहवें क्वेश्चन की तरफ। अर्पिता शेरगिल अमृता शेरगिल को ग्राज सेलो का एसोसिएट कब चुना गया? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1933 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हल्दी पीसती औरतें चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल,
अर्पिता सिंह, ऑप्शन ए अर्पिता सिंह, ऑप्शन बी यामिनी रंजन राय, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी अंजुम सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल के निम्न में से चित्र हैं, ऑप्शन ए गणेश पूजन, ऑप्शन बी टू वुमेन, ऑप्शन सी मदर इंडिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।